क्या आपको भी लो इम्यूनिटी है? क्या आपको मौसम बदलने पर सर्दी खांसी जुकाम आसानी से हो जाता है? क्या आपको ज़्यादातर समय थकान महसूस होती है? या आपको स्किन इश्यूज़ हैं या फिर बालों का झड़ना? अगर हाँ, तो ये सारे साइंस हैं एक वीक इम्यून सिस्टम के। पर डोंट वरी, क्योंकि हम आपको बताएंगे ऐसे 5 आसान तरीके जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, और वो भी घर पर रहकर ही। इम्यून सिस्टम मतलब प्रतिरोधक तंत्र, ऐसा तंत्र जो हमें रोगों से बचाता है। दोस्तों, हमारे आसपास कई तरह के पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, हमें पता भी नहीं रहता, और हम खाने के साथ, पीने के साथ या सांस के द्वारा इन्हें अवशोषित कर लेते हैं। जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है वह इन सब के बाद भी बीमार नहीं पड़ते, और वीक इम्यून सिस्टम होने पर वह इन सब से आसानी से बीमार पड़ जाते हैं। कई बार यह इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि वह खुद हमारे शरीर पर आक्रमण कर देता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस या टाइप 1 डायबिटीज दो ऐसी बीमारियां हैं जो इसी का नतीजा हैं। स्ट्रेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एजिंग कुछ कारण हैं कमज़ोर इम्यून सिस्टम के। तो दोस्तों, बात करते हैं उन 5 आसान तरीकों के बारे में जिससे आप अपने इम्यून सिस्टम को नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं। पहला है अश्वगंधा। यह एक ऐसी आयुर्वेदिक हर्ब है जो कि इम्यून सिस्टम को तेज़ी से स्ट्रॉन्ग करती है। इसको यूज़ करने का तरीका है कि गरम एक ग्लास दूध में 1 टेबल स्पून अश्वगंधा पाउडर लें। सबसे सही टाइम इसके लेने का है रात में 1 घंटा सोने के पहले, और अगर आपको दूध पचाने में कठिनाई होती हो तो आप इसे गर्म पानी से भी ले सकते हैं। दूसरा है गिलोय, एक और आयुर्वेदिक हर्ब जिसको अमृता भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है अमर बनाने वाली। यह खून को साफ करती है, शरीर से टॉक्सिन्स को हटाती है और बुरे बैक्टीरिया को शरीर से बाहर निकालती है। बस 1 ग्लास गुनगुने पानी में 1 टेबल स्पून गिलोय पाउडर मिलाएं और खाली पेट सुबह लें। तीसरी है मिंट ड्रिंक। यह ड्रिंक इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है। इसको बनाने का सही तरीका है 1 पैन में 500 ml पानी डालें, 1/2 चम्मच हल्दी डालें और 2 मिनट तक उबालें। फिर उसके बाद 10 से 12 पत्ते मिंट लीव्स डालें। इसके बाद इसको 2 से 5 मिनट तक उबालें। इस ड्रिंक को 1 ग्लास में निकालें और थोड़ा ठंडा होने दें। फिर 1 चम्मच शहद मिलाएं। बस इस ड्रिंक में सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देंगे और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएंगे। चौथी है टर्मरिक यानी हल्दी। जी हाँ दोस्तों, हल्दी जो कि हर घर में इस्तेमाल होती है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। अपनी एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ के कारण ये ऐसा कर पाती है। इसको लेने का सबसे अच्छा तरीका है 1/2 चम्मच हल्दी 1 ग्लास गर्म दूध में रात को 1 घंटा सोने से पहले लें। टर्मरिक मिल्क यानी हल्दी दूध तुरंत आपके शरीर को इन्फेक्शन करने वाले माइक्रोब से बचाएगा और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। पांचवा है आंवला। विटामिन सी सबसे अच्छा साधन है वीक इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने का। आंवला में विटामिन सी बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक आंवला में 20 संतरों के बराबर विटामिन सी मौजूद रहता है। सिर्फ एक आंवला दिन का आपकी इम्यूनिटी को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, और आप किसी भी रूप में आंवला का सेवन कर सकते हैं। चाहे तो आप उसको जूस के रूप में लें, अचार के रूप में लें या कच्चा भी खा सकते हैं। और दोस्तों, एक और बात जो कि बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे बताई गई आपको 5 चीज़ें जो हैं, इनमें से सब एक साथ स्टार्ट नहीं करनी है। कोई एक या दो जो आपको पसंद हो और उसको शुरू करें, आपको 15 दिनों के अंदर रिजल्ट्स मिलने लगेगा। इन 5 साधारण चीज़ों से आप अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना सकते हैं और रोगों से बच सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइजेस भी अत्यधिक आवश्यक हैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए। इनके बारे में हम अपनी आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसी वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियोस की सारी जानकारी आपको तुरंत मिल सके।